हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। सब्सक्राइब करिए जेजीडी न्यूज को और बेल आइकॉन को दबाएं, पाए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर। इस वीडियो में बताएंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी परिचारिका के लिए जीएनएम बीएससी पूरा करने वाले उम्मीदवारों की भर्ती के लिए अधिसूचना की। मणिपाल यूनिवर्सिटी नौकरियां आवेदन 2018 में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। पात्र उम्मीदवार अपनी आवेदन मणिपाल यूनिवर्सिटी 30 जून 2018 से पहले जमा कर सकते हैं। आवेदन करने में इच्छुक सभी नीचे दी गई स्थिति के लिए पात्रता मानदंड, वेतन, कुल रिक्तियों, चयन प्रक्रिया, नौकरी विवरण, अंतिम तिथि, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे विभिन्न जानकारी देखने में सक्षम होंगे। परिचारिका की वैकेंसी है और इसमें शिक्षा की आवश्यकता जीएनएम बीएससी नर्सिंग की जुड़ेगी। पद की बात की जाए तो एक पद है, अनुभव, फ्रेशर चाहिए। नौकरी करने का स्थान है उडुई। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2018 है। तो दोस्तों, अगर आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया है तो ये फॉर्म जरूर भरे। चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, कार्मिक साक्षात्कार, अन्य मोड के आधार पर मणिपाल यूनिवर्सिटी मानदंड या निर्णय द्वारा किया जाएगा। अब आपको बताएंगे कि आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता के सभी विवरणों के साथ अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही समर्थन दस्तावेज, प्रमाणित प्रतियां, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर और पूरा डाक पता आपके आवेदनों के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए। योग्यता मानदंडों के आधार पर साक्षात्कार में भाग लेने के लिए लघु और सूचीबद्ध उम्मीदवारों को ईमेल और फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा और नियुक्ति विशुद्ध रूप से अस्थायी है। नौकरी के लिए इस पता पर संपर्क करें और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी पता दे दिया है। डेप्यूटी डायरेक्टर -4 मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल -5776104 कर्नाटक। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।